कैसे हैं आप लोग प्रांत। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्ट के बारे में। तो फ्रांस, अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्ट के बारे में। बहुत से लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि ये कीवर्ड बहुत से लैंग्वेज में अवेलेबल है, जावा में या फिर जावास्क्रिप्ट में, बहुत से लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्ट कीवर्ड है क्या। सिंपली इम्पोर्ट कीवर्ड का मेनली यूज़ होता है, एक तो इसका फायदा क्या है कि कोड जो है आप मेंटेनेंस कर सकते हो। इम्पोर्ट कीवर्ड क्या होता है, सिंपली आपने एक अलग से सेपरेट फाइल बनाया और उसको आप अपने कोड में इम्पोर्ट कर रहे हो, तो सिंपली उसको अलग से जो सेपरेट फाइल है उसका कोड आपके इस फाइल में आ जाएगा। देखो कैसे होता है, मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। हम लोग इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ कहाँ पर मेनली कर सकते हैं, कोड को मेंटेनेंस कैसे करेंगे वो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। सिंपली जाते हैं ओपन फोल्डर पे, करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सिंपली इसको इम्पोर्ट, मतलब ठीक है जो भी है इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये वो वाला इम्पोर्ट नहीं है बट है सेम ही चीज़, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, CMD पे जाते हैं और टर्मिनल पे पहले नेविगेट करते हैं डेस्कटॉप पे, और फिर नेविगेट करते हैं हम लोग लेस प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पर लिखते हैं लेस वॉच कंपाइलर लेस CSS style.css। सिंपली लेस का मतलब लेस फोल्डर जिसके अंदर लेस फाइल है, CSS फोल्डर जिसके अंदर CSS फाइल जनरेट होने वाला है, और इस जो लेस फाइल है हमारा उसका नेम देना है और सिंपली इंटर प्रेस करना है। हो गया, चलो जी ये क्या हो गया भाई, ये हट गया, क्या हो गया, ओ सॉरी style.css नहीं style.less जो कि लेस फाइल है, वही तो मैं सोच रहा हूँ यार हुआ क्यों नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इम्पोर्ट के बारे में, इम्पोर्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, पहले ये समझते हैं क्यों किया जाता है इम्पोर्ट का यूज़। ऐसा तो मैंने बता दिया कि आपने अलग से फाइल बनाया, उसको इंपोर्ट किया, उसका कोड यहाँ पर आपका पुट हो गया और सिंपली जो जनरेट होगा फाइल CSS उसके अंदर वो आ जाएगा। लेकिन क्यों किया जाता है, मैंने बताया कोड को मेंटेनेंस करने के लिए। आप देख रहे हो जैसे जैसे मेरा वीडियो बढ़ रहा है कोड का लेन देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो भाई बहुत दिक्कत होता है मेंटेनेंस करने में, यही अगर 4-5 लाइन का कोड होता, एक सेपरेट करके स्ट्रक्चर बनाया होता तो कितना आसान होता, कितना अच्छा होता, ठीक है। तो देखो मैं अब इसका प्रैक्टिकल यूज आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स है, तो हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल्स का एक फाइल बनाते हैं। सिंपली लिस्ट के अंदर यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ लिस्ट फोल्डर में और यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल्स डॉट लिस्ट, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ का जितने वेरिएबल्स, इसको मैं सारा यहाँ पर कट कर देता हूँ कंट्रोल एच से और यहाँ का पुट कर दिया, यहाँ पर कंट्रोल वी से यहाँ पर मैंने डाल दिया, इसको सेव कर दिया। अब क्या करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं, तो सिंपली हमें यहाँ पर लिखना होता है इम्पोर्ट, ठीक है। अगर आप इसका ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वो सारा कुछ मिल जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको lesscss.org है, यहाँ पर जाते हैं आप और यहाँ पर इन डिप्थ गाइड में करते हैं क्लिक और यहाँ पर इम्पोर्ट के अंदर है, ठीक है। ये देखो तो बहुत ही सिंपल, आपको क्या करना है यहाँ पर एक गलती मैंने कर दिया था @, ठीक है। आपको @ लिखना है @import और उस फाइल का नेम देना है, ठीक है। तो वो फाइल क्योंकि इसी फोल्डर में, तो हमें सिंपली उस फाइल का नेम देना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ variables.less, ठीक है। तो आप variables.less भी लिख सकते हैं या फिर आप variables भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लेस फाइल है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है लेस कि ये देखो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर ये देखो फू मतलब फू डॉट लेस या फिर अगर फू डॉट लेस भी लिखते हो तो सेम ही है दोनों का, तो वही चीज़ बता रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ भी आपको चेंजेस नहीं मिलेगा, सेम टू सेम जैसा था वैसा ही है, कुछ ब्रेक नहीं हुआ कोड हमारा। तो सिंपली आप फाइल नेम दो या फिर फाइल नेम डॉट लेस दो जो आपको सही लगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ और यहाँ पर देखते हैं, ये तो था हमने देखो कितना अच्छा यूज़ किया। अब ये जो था यहाँ कोड गैदर हो रहा था बहुत सारा, ये हट गया तो हमने वेरिएबल्स एक कोड फाइल बनाया जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स को स्टोर करवा के रख लिया और इसको यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवा दिया। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास एक मिक्सिन था ना, तो हम लोग मिक्सिन के लिए क्योंकि भाई ऐसा तो थोड़ी है कि एक ही मिक्सिन होगा, मैंने आप पिछली वाली वीडियो में बताया कि बहुत सारा मिक्सिन हो सकता है, मिक्सिन बहुत ज़्यादा होता है, मैंने देखा है ऐसे बहुत क्योंकि उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी वो यूज़फुल होता है। तो हम लोगों ने एक फाइल एक बना लेना है यहाँ पर लेस फोल्डर के अंदर मिक्सिन, ठीक है डॉट लेस मिक्सिन या मिक्सिन डॉट लेस जो आपको सही लगे, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया फाइल और इसके अंदर मैं ये मिक्सिन जो हमारे पास था क्रिएट अलर्ट, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ जगह पेस्ट कर दिया, बस ये सेव कर लिया। अब यहाँ से फिर ऊपर में आया टॉप पे और यहाँ पर क्यों टॉप पे इम्पोर्ट करने से क्या फायदा है ना कि एक स्ट्रक्चर बना, हाँ भाई ये चीज़ मैंने इम्पोर्ट किया, अब आपने यहाँ एक इम्पोर्ट करवा दिया एक वहाँ करवा दिया, तो कहना कि आपको भी समझ में नहीं आया यार कहाँ का मैंने किसको इम्पोर्ट करवाया। तो आपने क्या करना है टॉप में इम्पोर्ट कर लेना सारा कुछ, तो फिर लिखता हूँ इम्पोर्ट और यहाँ लिखता हूँ मैं मिक्सिंस, ठीक है मिक्सिंस मतलब मिक्सिंस डॉट लेस या फिर मिक्सिंग आप लिख सकते हैं जो मैंने पहले आपको बताया। रिफ्रेश करते हैं, देखो सब कुछ सेम है, कोई कोड ब्रेक नहीं हुआ हमारा, चलो ये चीज़ हमने कर लिया इंपोर्ट के द्वारा, तो काफ़ी यूजफुल है। और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, देखो और क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकता हूँ, एक अलर्ट के लिए अलग से बना सकता हूँ। ये अलर्ट के लिए हमारे पास जो कोड है मैं अलग से अलर्ट के लिए बना सकता हूँ, तो सिंपली मैं लिखता हूँ लेस फोल्डर के अंदर अलर्ट डॉट लेस जिसके अंदर मैं अलर्ट बॉक्स जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है बनाया हुआ उससे रिलेटेड मैं कोड रखने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर लिया और इसको अलर्ट के अंदर पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया कंट्रोल एस से और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सिंपली यहाँ पर जाके @import alert, ठीक है।
मतलब कि अलर्ट डॉट लिस्ट, सेमी कॉलन देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखो अलर्ट है ना, सही सलामत अलर्ट है। अब ये चीज़ हम लोग बटन्स के लिए भी कर सकते हैं, तो सिंपली मैं बटन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक ये जा रहा है, इसको मैं कट कर लिया, एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ बटन डॉट लिस्ट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसमें पेस्ट कर दिया एक कोड, और यहाँ पर फिर अपने जो फोल्डर यहाँ पर था, देखो कितना कम कोड हो गया, कितना अच्छा आसानी से लोग मैनेज कर सकते हैं। तो फिर लिखते हैं @import और लिखते हैं बटन्स, या फिर बटन्स डॉट लेस भी लिखोगे चलेगा, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं क्या है, मतलब होता है ना, तब जो चाहे आपको सही लगे लिखना। तो ये रिफ्रेश करते हैं, ये देखो सही सलामत है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमारे पास बचता है हीरो, ठीक है। तो हीरो के लिए ऐसा जरूरी नहीं है हीरो के लिए आप कुछ बनाओ, ऐसा नहीं हर एक चीज़ के लिए, लेकिन जो ज़्यादा बड़े पैमाने पे कुछ अलग ही चीज़ है, अलग कंपोनेंट है, तो उसके लिए बना सकते हो, बट हीरो के लिए मुझे नहीं लगता कोई जरूरी है, कुछ ज़रूरत है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी यहाँ तक चलेगा। तो भाई ये था इम्पोर्ट कीवर्ड, काफ़ी बड़ा वीडियो नहीं है, 6 मिनट का वीडियो बनाई है, ठीक है। तो लेकिन यूज़ काफ़ी अच्छा, देखो पहले क्या सीन था वीडियो को थोड़ा पीछे से देखो, स्टार्टिंग से देखो, वहाँ मैं ऐसा करके दिखा रहा था, वहाँ कैसा लग रहा था और अभी कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से कोड को मैनेज कर सकते हो अलग अलग। आप इसमें और चीज़ क्या कर सकते हो, मैं मतलब वीडियो खत्म होने ही चला, मतलब सीरीज खत्म होने चला और कुछ है नहीं ऐसे, ठीक है। तो और एक दो वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कंप्लीट हो ही चुका मेरे हिसाब से। तो एक अब क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर इसके अंदर एक फोल्डर बना सकते हो, कि मिक्सिंग के अलग फोल्डर, उसके अंदर अपने मिक्सिंग फाइल रखा, इंपोर्ट कराया, ठीक है। तो कंपोनेंट बना दिया, फोल्डर, ये अलर्ट बटन, ये सब कंपोनेंट इसको बोलते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर अपने ये सब रखा, और भी स्ट्रक्चर कर सकते हो, बट इसमें ठीक है क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट बोल सकते हो, तो छोटा चीज़ है, इसलिए आप इसमें नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में इस तरह सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये था इंपोर्ट के बाद, आराम से आप इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को इंपोर्ट, ठीक है। हम लोग हीरो का भी बना सकते हैं, बट हीरो का जरूरत नहीं है यहाँ पर, हाँ। और कंटेनर एक तरह से यूटिलिटीज क्लास में आता है, तो इसके लिए बना सकते हो, बट अभी तक इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ही क्लास के लिए भाई एक फाइल बनाना सही नहीं है। तो ये सही लग रहा है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा इम्पोर्ट कीवर्ड का सीन, ठीक है। तो ठीक है भाई, बस आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वक्त पे, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए।